कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री नौवां अध्याय। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह करके लिए फिरें, जैसा और प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? या केवल मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें? कौन कभी अपनी गृह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूं? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हां, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? जब औरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक न होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की कुछ रोक न हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया। और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहराए। और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। सो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंत मेंत कर दूं, यहां तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी रीति से काम में लाऊं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु बेठिकाने नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं।